भट्टाकुफर फल मंडी में पहाड़ी से गिर रहे पत्थर और मलबे को देखते हुए एपीएमसी ने फल मंडी को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है और आढ़तियों को भी पराला मंडी जाने के निर्देश दिए हैं। इस मंडी को 2020 में ही असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, बावजूद हर साल यहां सेब का कारोबार हो रहा है। फल मंडी के ऊपर से बरसात में पत्थर गिरते रहते हैं जिससे यहां पर खतरा बना रहता है, जिसको देखते हुए एपीएमसी द्वारा अब मंडी में कारोबार न करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। एपीएमसी के सचिव देवराज ने कहा कि भट्टाकुफर फल मंडी को पहले ही असुरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ पहाड़ी से मलबा और पत्थर लगातार गिरते रहते हैं, जिसको देखते हुए आढ़तियों को पराला मंडी जाने का आग्रह किया गया, क्योंकि भट्टाकुफर में कभी भी पहाड़ी नीचे आ सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर फल मंडी को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। एक्चुअली जो ये भट्टाकुफर मंडी थी ये अनसेफ घोषित कर दी गई थी, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ी है उसमें दरार है। तो हमने हमारे जो आढ़ती भाई हैं उनको से उनसे अनुरोध किया कि आप जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाए, इनको हम पहला शिफ्ट कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो और आढ़तियों को किसी तरह का नुकसान ना हो। फल मंडी की स्थिति अभी थोड़ा संतोषजनक नहीं, क्योंकि कभी भी पहाड़ी दरक सकती है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मेरा आढ़ती भाइयों से भी अनुरोध है कि इस पर ही कॉपरेट करें, हम उनको पराला भेजेंगे ताकि वहाँ पे वो अपना रोजगार जो है चालू रख सके। एक्चुअली पहला ज़्यादा उनको कन्वीनियंट रहेगा, इतना उल्टा नहीं पड़ेगा, पर जब अभी मजबूरी है, जब तक आनंदपुर पीढ़ी पाटरा मंडी है वहाँ का स्थान का चयन किया है, मंत्री महोदय ने भी के भी आदेश है, तो पीढ़ी पाटरा में अगर हमारी मंडी बनती है तो ये तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, मेरे स्पष्ट निर्देश है, जिलाधीश महोदय के भी स्पष्ट निर्देश है कि आप जो है वो अपने कारोबार न करें, अगर करेंगे तो ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। एक्चुअली अब इस साल जो पिछले साल के कंपैरिजन में जो फसल है वो कम है, अराउंड आई थिंक कि दैट इज 60%, तो हमारा उतना वहाँ पर इतना वो रश नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास HDP जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें मंडी का निर्माण किया गया है, उसमें अभी फिलहाल जो ऑक्शन प्लेटफॉर्म है वो हम जो इन आढ़तियों के लिए यूज कर देंगे ताकि वहाँ पे कारोबार कर सके। तो ये था प्रोसेसिंग प्लांट, अभी निर्माणाधीन है, अभी हमारे को हैंड ओवर नहीं किया गया है, जब हैंड ओवर हो जाएगा तो उसके बाद इसे कचरचा किया तुरंत प्रभाव से ये लागू होंगे, हमारे को उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, कभी भी कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि मार्केट जो कमिश्नर एजेंट के साथ कई तरह के मार्केट फंक्शनरीज जो है जुड़े होते हैं, किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे जो मार्केटिंग है उसका एक पार्ट एंड पार्सल। जी बिल्कुल, वहाँ भी शिफ्ट किया जाएगा, इसीलिए मंडियाँ बनाई जा रही है, जैसे आप शिलारू की बात कर रहे हैं, थर्मटी में भी मंडी बनाई जा रही है, तो ये दोनों मंडियाँ जब बनती है, अभी शिलारू का था उसमें FCA केस के कारण थोड़ा सा हमारे को विलम्ब हुआ, अदरवाइज वो मंडी हमने जो उसको एक्टिव कर देना था। बागवानों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अभी हमारे उसको हमारे को मजबूरी में उस मंडी को बंद करना पड़ेगा, इसलिए जो है पराला मंडी में अपना जो है